भारत की आजादी की लड़ाई में 31 मई का दिन एक ऐतिहासिक घटना के नाम दर्ज है। साल था 1921, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अपने चरम पर था। इसी बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 31 मई के दिन स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में एक झंडे को औपचारिक रूप से मान्यता दी। इस झंडे को पिंगली वेंकैया ने बनाया था। झंडे में लाल और हरा रंग था, जो भारत के दो प्रमुख धर्मों का प्रतिनिधित्व करता था। पिंगली जब ये झंडा लेकर गांधी जी के पास गए तो गांधी जी ने झंडे में एक सफेद रंग और चरखे को भी लगाने की सलाह दी। सफेद रंग भारत के बाकी धर्मों और चरखा स्वदेशी आंदोलन और आत्मनिर्भर होने का प्रतिनिधित्व करता है। साल 1923 में नागपुर में एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के दौरान हजारों लोगों ने इस झंडे को अपने हाथों में थाम रखा था। बाद में झंडे को लेकर काफी विवाद भी हुआ। कुछ लोग झंडे में चरखे की जगह गदा जोड़ने का भी सुझाव देने लगे। आजादी के बाद संविधान समिति ने कांग्रेस के इसी झंडे को कुछ बदलावों के साथ भारत का झंडा बनाने का निर्णय लिया। इसके साथ चरखे की जगह अशोक चक्र को लगाया गया। इस झंडे को पहली बार 22 जुलाई साल 1947 के दिन आधिकारिक तौर पर फहराया गया। इतिहास के दूसरे हिस्से में बात करेंगे हम सब के चहेते मिकी माउस की। 31 मई साल 1929 आज के ही दिन बच्चों के पसंदीदा कार्टून मिकी माउस को आवाज मिली थी। वर्ल्ड डिज्नी ने पहली बार कार्निवल किड नाम से कार्टून रिलीज किया था, जिसमें मिकी माउस ने अपना पहला शब्द बोला था और ये शब्द था हॉट डॉग। आपको बता दें कि मिकी माउस को आवाज देने वाले वॉइस आर्टिस्ट कार्ल स्टिरलिंग थे। दर्शकों ने मिकी माउस को सबसे पहले साल 1928 में आई फिल्म टीम बोट विली में देखा था, लेकिन तब तक ये एक मूक कार्यक्रम था। कहा जाता है कि मिकी माउस बनाने का आइडिया वॉल्ट डिज्नी को काम करने के दौरान अपनी डेस्क के पास घूम रहे एक चूहे को देखकर आया था। इतिहास के तीसरे अंश में बात विश्व तंबाकू निषेध दिवस की करेंगे। तंबाकू के उपयोग से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 31 मई के दिन इसे मनाया जाता है। साल 1947 में पहली बार WHO के सदस्य देशों ने इस दिन को मनाने की शुरुआत की थी। WHO ने एक प्रस्ताव पास कर 7 अप्रैल 1988 के दिन को वर्ल्ड नो स्मोकिंग डे के तौर पर मनाने का ऐलान किया था और इसी साल एक और प्रस्ताव पास कर 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाने की घोषणा की गई। उसके बाद से ही हर साल 31 मई को दुनिया भर में इस दिन को मनाया जाता है। इस साल की थीम है प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस, यानी बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना है।